तो हमारे जितने दिव्यांग भाई हैं, जितने हैंडीकैप्ड भाई हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आज की न्यूज अपडेट के अनुसार। तो मैंने सोचा यार ये खबर जल्दी से वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचा ही दूं। देखिए जितने हमारे दिव्यांग भाई हैं, जितने हमारे हैंडीकैप्ड भाई हैं, उनके लिए रेलवे ने ऑर्डर निकाल दिया है कि जितनी भी वीआईपी ट्रेनें होती है, जैसे कि दुरंतो, वंदे भारत जो बिल्कुल नई नई चली है अभी, जिसका उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है, और हर ट्रेन का शायद वही करते हैं, रेलवे अधिकारियों को करने की जरूरत नहीं होती है, और जितनी शताब्दी ट्रेनें हैं, दुरंतो ट्रेनें हैं, हम सफर ट्रेनें हैं, भाई इसके अंदर अब हमारे जितने दिव्यांग भाई हैं, जितने हैंडीकैप्ड भाई हैं, अपनी सीटें रिजर्व करवा पाएंगे, यानी कि अपना रिजर्वेशन करवा पाएंगे। खबर बहुत अच्छी है, और इस खबर के अनुसार जितनी ये ट्रेनें हैं, जैसे वंदे भारत ट्रेन है, हमारे दिव्यांग भाई उसमें सफर करना चाहते हैं तो उसके अंदर बदलाव भी किया जाएंगे। तो खबर को विस्तार से पढ़ेंगे। मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं लाइव जी चैनल, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए शुरू करते हैं और खबर को जरा विस्तार से जान लेते हैं कि खबर आखिर है क्या। देखिए खबर के अनुसार जितनी हमारे देश में वीआईपी ट्रेन है, जैसे वंदे भारत वीआईपी ट्रेन है, शताब्दी वीआईपी ट्रेन है, दुरंतो वीआईपी ट्रेन है, हम सफर वीआईपी ट्रेन है, इन सारी वीआईपी ट्रेनों में हमारे जितने दिव्यांग भाई है, जितने हैंडीकैप्ड भाई है ना, अपना रिजर्वेशन करा के उसमें सफर करवाएंगे। तो पहले क्या इसमें रिजर्वेशन नहीं होता था शायद, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, शायद पहले भी होता हो, पर चूंकि नहीं होता हो तो अब होने लग जाएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। और इस कोटे में जैसे C1, C7, C14, जैसे वंदे भारत ट्रेन है तो इसके अंदर एक कोच होता है C1, C7, C14, इस कोच को भी अपग्रेड किया जाएगा, यानी जो उस कोच की सीटें हैं उसको दिव्यांग भाइयों के अनुसार अपग्रेड कर दिया जाएगा। भाई जैसे जरूरत होती है दिव्यांग भाइयों की कि एक विशेष प्रकार की सीट होती है तो हैंडीकैप्ट उसी में सफर करेगा, तो उस सीट को हो सकता है उस उन्हीं के अनुसार डिजाइन कर दिया जाए। और आप ऑनलाइन जैसे क्रिस एक सॉफ्टवेयर है रेलवे का, जो सेंटर फॉर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम होता है एक सॉफ्टवेयर है, तो ऑनलाइन टिकट आप क्रिस से बुक कर पाएंगे या कहीं से भी बुक कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है यार, ऑनलाइन टिकट तो कहीं भी बुक हो जाती है। आप चाहें तो रेलवे के काउंटर पर जाके, एक विशेष काउंटर अलग से लगाया जाएगा, वहाँ पर जाके भी आप अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप अपने साथ जो सहायक को लेके जाते हैं, जैसे आप जा रहे हैं आपके साथ एक जना और जाता है, तो उसकी टिकट भी आप अपने साथ ही बुक करवा पाएंगे। तो बहुत अच्छी खबर है, और ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बहुत लेट होती है हमारे देश में। पहले तो वीआईपी घूमते हैं उसके बाद बाकी लोगों का नंबर आता है, तो यार चलो देर सवेर आया तो सही कम से कम। और अगर आप जा रहे हैं, जैसे आपने टिकट रिजर्वेशन करा ली, आपके साथ एक सहायक भी था लेकिन वो गया नहीं किसी कारणवश, तो आपके बगल में जो सीट खाली पड़ी है तो वो दूसरे दिव्यांग भाई को दे दी जाएगी, अगर सीट खाली पड़ी है तो। अगर आपका जो सहायक है, जो आपके साथ दूसरा आदमी जाएगा, साथ जाता है, अगर वो बाई चांस आपके साथ नहीं गया तो आपकी जो बगल में खाली सीट पड़ी है अब दूसरे दिव्यांग भाई को अलॉट कर दी जाएगी। तो चलो अच्छी बात है ये भी, वो सीट खाली तो नहीं जाएगी, कम से कम किसी न किसी के काम तो आएगी। कई बार क्या होता है कि जैसे सीटें फुल हो जाती है, और सीटें फुल होने के कारण कई दिव्यांग भाई रिजर्वेशन करवा नहीं पाते हैं क्योंकि सीटें पहले फुल चल रही होती है, पर बाई चांस सीट खाली मिल गई, भाई जो दिव्यांग का सहायक है, जो व्यक्ति उनके साथ जाएगा वो आया नहीं, वो सीट खाली पड़ी है, तो वो सीट उसको दे दी जाएगी। तो ये खबर भी अच्छी है। तो बस यही खबर के बारे में मैंने वीडियो बनाई है और आप लोगों तक ये खबर पहुंचाने के लिए, मैंने कहा यार अच्छी खबर है हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए, हैंडीकैप्ड भाई है तो उनके काम की खबर है, तो मैंने इसके ऊपर जल्दी से ये वीडियो बना दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपने जितने यार दोस्त हैं उनको, और दिव्यांग भाई और हैंडीकैप्ड भाई को यार खबर जरूर पहुँचा दीजिए, बहुत बड़ी कृपा होगी आप लोगों की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।